नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। आज फिर एक नई क्लास के साथ में आ चुका हूँ आपके बीच में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। वीडियो पर जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ पास में से ज़रूर शेयर करना। कंटिन्यू करेंगे क्लास को, पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि जेनेटिक्स से यानी अनुवांशिकी होता क्या। बच्चों बात करिए जेनेटिक्स से या अनुवांशिकी होता क्या है। अगर इसकी परिभाषा को देख लिया जाए, बने रहना हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम से बढ़िया से क्लास प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू यहां पे है। जैसे जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स 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 इज द साइंस ऑफ जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी एंड वेरिएशन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बच्चों क्या होती है, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहां पे दो शब्द बहुत कॉमन है जिनको हमें पकड़ के चलना है, कौन कौन से बच्चों। एक तो हमें जानना है कि ये हेरिडिटी क्या होता है, ये जो हेरिडिटी आया है ये क्या होता है, और एक जो वेरिएशन आया ये क्या होता है, ठीक है ना। हिंदी में बच्चों इसी परिभाषा को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी 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 अनुवांशिकता अनुवांशिकता एवं एवं अनुवांशिकता एवं भिन्नता का विज्ञान है, भिन्नता का विज्ञान है। यानी अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि अनुवांशिकी की परिभाषा क्या है, तो अनुवांशिकी अनुवांशिकता एवं भिन्नता का विज्ञान है। क्लियर यहां तक। इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए कि जो अनुवांशिकी शब्द है, जो अनुवांशिकी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह अनुवांशिकी टर्म है, अनुवांशिकी शब्द है ये किसने दिया, जो अनुवांशिकी शब्द है बच्चों ये किसने दिया, है ना। और अनुवांशिकी के पिता कौन होते हैं, ये दो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के पिता किसे बोलेंगे और अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो देख लेते हैं हम लोग। बेटसन वैज्ञानिक हुए, कौन बच्चों हुए, एक वैज्ञानिक हुए बेटसन। जो अनुवांशिकी टर्म है, जो अनुवांशिकी शब्द है वो किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। और अनुवांशिकी के पिता कौन है बच्चों, ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है बच्चों, ग्रेगर जोहन, ग्रेगर जोहन मेंडल। यानी जो ग्रेगर जोहन मेंडल हैं ये कौन है, ये अनुवांशिकी के पिता हैं, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी क्लियर यहां पे होती है फर्स्ट पेज में हमें, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, दोनों के बारे में बढ़िया से समझेंगे। अनुवांशिकता बच्चों क्या होता है, हेरिडिटी और वेरिएशन। जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना बच्चों क्या कहलाता है, जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा। ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समझिए कि नहीं, अनुवांशिकता और भिन्नता ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको समझ के चलना बच्चों एक बार बढ़िया से। एग्जाम में सीधे प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है आपको। अनुवांशिकता तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी जो जीन्स होते हैं जीनों का एक पीढ़ी से
जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है बच्चों। क्या? हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। जब जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता? अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है ना? अनुवांशिकता कहलाता है। ध्यान रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चों क्या जाते हैं? जीन्स ट्रांसफर होते हैं। किसी माँ बाप के जो लक्षण होते हैं संतान में, वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कभी नहीं जाते हैं, माँ बाप के जीन्स ही जाते हैं। ठीक है ना? तो जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। वहीं पे हम बात करें भिन्नता के बारे में, इसको बोलते हैं वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कोई भी पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन में लक्षणों के अंतर का पाया जाना, लक्षणों के अंतर का पाया जाना ही क्या कहलाता है? भिन्नता यानी वेरिएशन। कोई भी पॉपुलेशन है उसमें लक्षणों का अगर अंतर पाया जाता है तो उसे क्या बोलते बच्चों? उसे भिन्नता या वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है ना? किसी भी पॉपुलेशन में लक्षणों के लिए अंतर का पाया जाना ही क्या कहलाएगा? भिन्नता या वेरिएशन। और जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा बच्चों? हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता और भिन्नता का क्या विज्ञान होता है? जेनेटिक्स। यही तो अनुवांशिकी है बच्चों। अनुवांशिकता एवं भिन्नता का विज्ञान क्या कहलाता? अनुवांशिकी। बस ये परिभाषा थी हमारी। बहुत अच्छे से समझा दिया, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना। ठीक है ना? यही कहलाती है हमारी अनुवांशिकी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी पर। अब हम बात करें कि जो अनुवांशिकी है बच्चों, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व जो है दो टाइप्स में है। नंबर एक, जेनेटिक्स एज फूड, यानी भोजन में इसका क्या महत्व है? तो मेंडल की नियम, जो मेंडल ने नियम खोजा था, उसके पश्चात क्या प्यारे बच्चों, कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ। यानी जब से मेंडल ने जो नियम दिए थे, अपने प्रतिपादित किए थे, तब से कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास हो रहा है, जिसमें कृषि फसलों में जो है सुधार हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पे थोड़ी सी बातें यहां पे हम देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। मेंडल के नियम की खोज के पश्चात, मेंडल के नियम की खोज के पश्चात मेंडल के नियम की खोज के पश्चात सभी फसलों में उन्नतशील प्रजातियों का विकास उन्नतशील प्रजातियों का विकास प्रजातियों का विकास प्रजातियों का विकास किया जा चुका है किया जा चुका है और किया जाएगा, और आगे भी नई नई प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, नई नई प्रजातियों का
विकास का विकास किया जा रहा है। तो ये चीज है कि जब से मेंडल के नियम प्रतिपादित हुए से उसी के आधार पर नई नई प्रजातियों का दिन प्रतिदिन आविष्कार किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन हाई यील्डिंग वेराइटीज का जो है अपने देश में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है, साथ ही साथ जानवरों की भी कई नस्लें सुधारी गई इसके माध्यम से। तो जेनेटिक्स एज ए फूड, तो भोजन के रूप में क्या है कि नई नई प्रजातियों का विकास हो रहा है, जिससे मानव और पशु संबंधी जो भी दाने खाने की आवश्यकता है सब कुछ पूरा हो रहा है। अब दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है जेनेटिक्स एज मेडिसिन, यानी चिकित्सा के रूप में मेडिसिन इसका क्या उपयोग है, चिकित्सा के रूप में क्या उपयोग है, चिकित्सा में क्या इसका रोग है। वर्तमान समय बच्चों हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो जीन्स के थ्रू होती हैं, ठीक है ना, जैसे अनुवांशिकी डिजीज, जैसे बड़रांता हो गया, हेमोफिलिया, ये कैसी बीमारी है, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होने वाली बीमारी हैं। तो वर्तमान समय बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे अनुवांशिक बीमारियों की कुछ बात कर लें हम, जैसे बड़रांधता हो गई एक, और एक है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हीमोफीलिया और कई प्रकार के कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसमें जो है जीन्स के माध्यम से होती अनुवांशिकी बीमारी, इनको बोला जाता है जेनेटिक्स बीमारी की कैटेगरी में पढ़ा जाता है बच्चों। तो इनका दो रूप में ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बीमारियां जो जीन में परिवर्तन के कारण होती हैं, जो बीमारियां जीन में परिवर्तन के कारण होती हैं उन्हें अनुवांशिकी बोलते हैं। तो वर्तमान समय बच्चों क्या है, वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारी बीमारियां, वर्तमान समय में बहुत सारी बीमारियां, वर्तमान समय में बहुत सारी बीमारियां जीन्स में परिवर्तन के कारण होती हैं, जीन्स में परिवर्तन के कारण होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जीन से परिवर्तन होने के कारण होती हैं, उन्हें ही अनुवांशिक बीमारी बोलते हैं। उन्हें ही बच्चों क्या बोलते हैं, उन्हें ही अनुवांशिकी, नहीं अनुवांशिक, उन्हें ही अनुवांशिक रोग कहते हैं, उन्हें ही अनुवांशिक रोग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने बड़ांता है, हीमोफीलिया है, कई प्रकार के कैंसर, ये कैसी बीमारी बच्चों हैं, ये सब अनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया शानदार, क्वेश्चन नंबर इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है जो जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में वही क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों एलील क्या होता है, किसको हम लोग एलील कहेंगे। तो हिंदी में पहले जान लेते हैं जीन के एक दूसरे रूप को बच्चों, क्या जीन के एक दूसरे रूप को क्या बोलते हैं, जीन के एक दूसरे रूप को क्या बोलते हैं, एलील। यानी जो जीन्स है इसके कई फॉर्म्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, एलील। जीन के एक दूसरे रूप को क्या बोलते हैं बच्चों, एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। यानी जो जीन्स होते हैं इसके एक दूसरे रूप को बच्चों क्या बोलते हैं, एलील। जीन के एक दूसरे रूप को क्या बोलते हैं, एलील। मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं हम लोग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील। समझ गए आप हमारी बात को,
है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील, यानी जीन के जो कई फॉर्म्स होते हैं, कई रूप में पाया जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एलील। अनुवांशिक लक्षणों की वंशागत के लिए उत्तरदायी भी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव की अनुवांशिक बनावट जो होती है, कोई भी प्राणी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो जेनेटिक्स मैकअप होता है, उसे बोलते हैं क्या, जीनोटाइप। किसी भी जीव की अनुवांशिक बनावट को क्या बोलते हैं, किसी भी जीव की अनुवांशिक बनावट को ही जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोई भी जीव है उसकी अनुवांशिक बनावट को ही क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहां पे हमने एलील और जीनोटाइप के बारे में चर्चा करी है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। इसके बाद नेक्स्ट फिनोटाइप। प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल बाहरी जो बनावट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। किसी भी जीव की किसी भी जीव की बाहरी बनावट को बच्चों क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। यानी कोई भी जीव है अगर उसकी जो बाहरी बनावट होती है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अब देखो दो बातें आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ाया है जीनोटाइप, किसी भी जीव की अनुवांशिक बनावट को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। प्यारे बच्चों, जीन्स के द्वारा जो भी लक्षण गवर्न्स होते हैं, माँ बाप के जो गुण बच्चे में हैं, उनमें जो लक्षण है, जो उनमें जो विशेषता है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, बढ़िया रहेगी। यानी अनुवांशिक बनावट जो है इसका क्षरण नहीं किया जा सकता है। वहीं पर प्यारे बच्चों, जो हमारी बाहरी बनावट होती है जैसे फिनोटाइप, ये वातावरणीय लक्षण होते हैं, ये जो है बदलते रहते हैं, भिन्नताएं आती रहती हैं। जैसे कोई एक मान लीजिएगा ईंट के भट्टों पर काम करने वाला कोई मजदूर है, उसका आप रंग रूप देख लीजिएगा। एक वहीं पे ऑफिशियल काम करने वाला व्यक्ति है जो अच्छे वातावरण में रहता है, ठंडे स्थान पर रहेगा, बढ़िया मतलब सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसका रंग अच्छा होता है। और वहीं पे तो ये सब वातावरणीय लक्षण होते हैं, ये वातावरण के अकॉर्डिंग ही प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन किसी का जो अनुवांशिक लक्षण है वो आप क्षरित नहीं कर सकते, वो किसी भी कंडीशन में जाए। तो अनुवांशिक बनावट जीनोटाइप, बाहरी बनावट फिनोटाइप। क्लियर यहां तक पॉइंट। चलिए अब आता बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस दोनों ही बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, सीधे ही एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, तो इनको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो जानेंगे पहले कि बैक क्रॉस क्या होता है। जब F1 पीढ़ी का संक्रमण, बच्चों क्या, जब 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 F1 पीढ़ी का संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी पैतृक के साथ कराया जाता है, किसी भी पैतृक के साथ कराया जाता है, किसी भी पैतृक के साथ कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी पैतृक के साथ कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं।
बाय क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, जब यवन पीढ़ी का संकरण किसी भी पैतृक के साथ में करा दिया जाए, चाहे वो हमारा डबल आर, जैसे इसको मैं प्रेजेंट कर लिया बच्चों, प्रेजेंट किया हमने कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब जो कैपिटल आर आर है बच्चों ये क्या बताएगा, ये कोई प्रभावी है, ये क्या है प्रभावी जीन्स है ये, और ये अप्रभावी जीन्स है। कैसे है ये अप्रभावी जीन्स है, कैसे बच्चों ये अप्रभावी है, अप्रभावी जीन्स मान लीजिएगा और ये प्रभावी जीन्स हो गए। तो इसमें क्या, जब F1 पीढ़ी मतलब इनका इनका जब क्रॉस कराया गया तो एक आर तो यहां से आ जाएगा, डबल आर कैपिटल है एक आर यहां से आ गया, और यहां पे डबल आर स्मॉल है एक आर यहां से आ गया, यानी ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है क्या पीढ़ी है, ये F1 है, और ये F1 पीढ़ी का ही क्रॉस आप किसी भी पेरेंट के साथ में करा दो, चाहे अप्रभावी हो चाहे प्रभावी हो, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशंस को बच्चों क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। इससे लाभ ये होता है विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम में सहायता मिलती है और बहुत अच्छी तकनीकी ये होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस बच्चों क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी पैतृक के साथ में कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी अप्रभावी पैतृक के साथ कराया जाता है, अप्रभावी पैतृक के साथ अप्रभावी पैतृक के साथ कराया जाता है, अप्रभावी पैतृक के साथ कराया जाता है, तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं बच्चों, इसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं, तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसे ही बच्चों क्या बोलेंगे, इसे ही बोल देंगे टेस्ट क्रॉस, इसे ही बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी पैतृक के साथ में कराया जाता तो इसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। एग्जाम्पल देख लो आप, ये हमारी F1 पीढ़ी है, प्रभावी है ये कैसा है, ये प्रभावी है, और ये अप्रभावी बच्चों है, कैसा है अप्रभावी है, और ये F1 पीढ़ी का संकरण देख लो आप, अप्रभावी पैतृक के साथ में कराया गया है, प्रभावी के साथ में नहीं कराया गया, तो इस प्रकार की कंडीशंस को बच्चों क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों पढ़ लिए हमने। इसके बाद नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और इस वीडियो में पढ़ते हैं, इसके बाद क्लास को करते हैं द एंड। एक टर्म होता है इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन हिंदी में बोलते हैं विपुंसीकरण, विपुंसीकरण विपुंसीकरण विपुंसीकरण, ठीक है ना हिंदी में। तो किसी भी पुष्प से नर भाग ब्रैकेट में परागकोष, किसी भी पुष्प से नर भाग को हटाने की क्रिया, किसी भी पुष्प से नर भाग को हटाना ही क्या कहलाता है, विपुंसीकरण या इमेस्कुलेशन कहलाता है। विपुंसीकरण या इमेस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। कोई भी पुष्प है अगर उससे आप पराग कोष या नर भाग को रिमूव कर दो या हटा दो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। नोट करके एक बात समझ लें, इमेस्कुलेशन किया क्यों जाता है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, तो प्यारे बच्चों स्वपरागण को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन का प्रयोग क्यों करा जाता है, स्वपरागण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसको, स्वपरागण को रोकने के लिए जो है इमेस्कुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की जेनेटिक्स की क्लास। अगर आप हमारे पैड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर एक बार हमारा पुनः नोट कर सकते हैं आप,
42 55 21 81 15 42 55 21 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोर्स संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सभी सेमेस्टर एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।